हेलो फ्रेंड्स, मैं सर संतोष बलदरी, क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम जो नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द लाइन। इक्वेशन की जब भी हम बात करेंगे तो स्ट्रेट लाइन की बात करेंगे। ये देखो कुछ इसके फॉर्म लिखे हैं, तो आज हम इंट्रोडक्शन वीडियो लेके आए। देखिए तो सबसे पहली बात है द इक्वेशन ऑफ द एक्स एक्सिस, द इक्वेशन इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस तो जो होती है बाई इक्वल टू जीरो। तो हम जानते हैं कि बाय एक्स एक्सिस पे बाई जीरो होता है। नेक्स्ट देखेंगे इक्वेशन ऑफ बाई एक्सिस, तो वी नो दैट बाई एक्सिस पे क्या एक्स इक्वल टू जीरो, तो यही इसकी इक्वेशन हो जाती है। नेक्स्ट देखेंगे ये मान ले ए नाम दे दें हम, अब बी ले लें। इक्वेशन ऑफ अ लाइन, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस एंड डिस्टेंस के यूनिट्स फ्रॉम द एक्स एक्सिस। तो देखिए तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू के। अब यहां पे आप देखिए ये देखिए ये एक्स एक्सिस है और ये वर्टिकल लाइन होती है, बाई एक्सिस है, ये ओरिजिन है। तो एक्स एक्सिस से डिस्टेंस पैरेलल में देखो मान लीजिए यहां पर है इस जगह के डिस्टेंस पे, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ये भी हो सकती है। देखिए बाई इक्वल टू जो बाई को इंटरसेक्ट कर रही, तो बाई इक्वल टू ये बाई इक्वल टू के हो जाएगा। अगर नेगेटिव डायरेक्शन में होगा इस टाइप से तो ये बाई इक्वल टू माइनस के हो जाएगा, इसीलिए हम इसमें प्लस माइनस लगा देते हैं, समझे। इसी तरीके से नेक्स्ट वाला देखेंगे, इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू बाई एक्सिस एंड डिस्टेंस की यूनिट्स फ्रॉम बाई एक्सिस। बाई एक्सिस से की यूनिट पे एक्स इक्वल टू हो जाएगा अगर पॉजिटिव। अब यहां एच मान लेंगे अलग अलग डिफरेंस, तो एक्स इक्वल टू एच अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में तो प्लस हो जाएगा और नेगेटिव में तो माइनस हो जाएगा। तो ये एक्स एक्सिस और बाई एक्सिस की इक्वेशन है ये वाले दोनों, ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस है बाई इक्वल टू होगा और पैरेलल टू बाई एक्सिस है एक्स इक्वल टू हो जाएगा, ये अपना था। नेक्स्ट देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन 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 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में ये क्या होता है, तो इसमें आ जाएगा बाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये किस टाइप से देखिए, ये लाइन इस टाइप से जा रही है, सी होता है जो बाई एक्सिस पे इंटरसेप्ट होता है, ये ओरिजिन से डिस्टेंस, इसे सी बोलते हैं। यहां से यहां तक डिस्टेंस है, ये सी है और एंगल इस पे जो बन रहा थीटा, एम इक्वल टू हो जाता है टेन थीटा, ये स्लोप होता है। नेक्स्ट है इक्वेशन ऑफ लाइन इन इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट
ऑन। तो ये इस टाइप से देखिए लाइन, ये इस टाइप से मान ली जा रही है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए। तो लाइन एक्स एक्सिस को ए डिस्टेंस पे काट रही है, यहां से यहां तक डिस्टेंस ए है ओरिजिन से, और ये बी डिस्टेंस है। इसका फॉर्मूला हो जाता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू वन। तो ये क्या है, इंटरसेप्ट फॉर्म बोलते हैं। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को लाइन इंटरसेप्ट करती है, जिस डिस्टेंस पर करती वो इंटरसेप्ट हो जाएंगे। ये देखिए, अब नेक्स्ट देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन इन परपेंडिकुलर फॉर्म, इन परपेंडिकुलर फॉर्म। तो जो हो जाएगा एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। तो ये पी क्या होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ध्यान रखना। लाइन इस टाइप से जा रही है, ये देखिए लाइन जा रही है, तो ओरिजिन से डिस्टेंस होती है ये होती पी, ओरिजिन से डिस्टेंस होगी वो होगी पी, ये पी है। और एक्स एक्सिस से जो एंगल बनता है वो होता है अल्फा, ये है। तो ये अपना हो जाता है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। अब जनरल इक्वेशन ऑफ, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये हो जाता है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये है। नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन, देखो पासिंग थ्रू पॉइंट, पासिंग थ्रू पॉइंट, अगर एक पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 विथ स्लोप m, विथ स्लोप m, विथ स्लोप m, तब क्या आ जाएगा देखो, तो जो हो जाएगी y माइनस y1 m x माइनस x1, ये आ गई। नेक्स्ट फॉर्म है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स, दो पॉइंट से पास हो रही है, पॉइंट है पहला पॉइंट एक्स वन वाई वन और दूसरा पॉइंट है एक्स टू बाई टू, ये है। तो जो हो जाएगा बाई माइनस बाई वन इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये एक्स माइनस एक्स वन। नाउ स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ लाइन, तो स्लोप क्या होता है, देखिए ये लाइन है एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में, मान लीजिए एंगल थीटा बना रही है इस टाइप से, तब स्लोप होता है एम इक्वल टू टेन थीटा, ये स्लोप है, स्लोप माने झुकाव। अगर दो पॉइंट दिए हैं, पहला पॉइंट एक्स वन वाई वन, दूसरा पॉइंट एक्स टू वाई टू, देन स्लोप, तब स्लोप क्या होगा, वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो स्लोप का देखो दो फॉर्म है, एक तो जब एंगल दिया होगा तो टेन थीटा टेंजेंट से निकालेंगे वैल्यू टेन में, और अगर पॉइंट्स दिए हैं तो बाई एम इक्वल टू बाई टू माइनस बाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो देखिए थोड़ा सा हमने इंट्रोडक्शन दिया है
लाइन के कुछ फॉर्म्स हैं, और लाइन का मतलब हमेशा स्ट्रेट लाइन ही होता है। अब इसके बाद हम इसके क्वेश्चंस के वीडियो बना के डालने वाले हैं, आप देखते रहें।